अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म जो आज हम पढ़ेंगे वो है कैटिनेशन, और उसके बाद कार्बन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो कैटिनेशन को हम पढ़ते हैं। मेरा नाम है शुएब पवार और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्टार यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैटिनेशन को डिफाइन करते हैं कि कैटिनेशन क्या होती है। कैटिनेशन ये एक प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विथ सेम एटम्स is called catenation। ये एक एटम की प्रॉपर्टी होती है जिसमें एटम जो है अपने ही एटम्स के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है और बहुत सारी लंबी चेन्स बनाता है, लंबी रिंग्स बनाता है, तो उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास कार्बन है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो टेट्रावेलेंट होता है, मतलब इसकी वैलेंसी जो होती है वो चार होती है और ये चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन हमेशा एक लंबी चेन बनाता है। ठीक है, तो ये कार्बन है और इसकी जो वैलेंसी है ये चार होती है और ये अपने ही कार्बन एटम्स के साथ बहुत सारी लंबी चेन्स बनाता है। ठीक है, तो ये एबिलिटी जो है कार्बन की, इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। मतलब ये एक एटम है कार्बन, ये अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर बहुत सारी लंबी चेन्स और लंबी रिंग्स बनाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। ये देखिए आप, ये बहुत सारे चेन बन जाएगी अगर हम यहाँ पर कार्बन ऐड करते जाएं तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। और ये उमूमन जो है कार्बन में ही पाई जाती है, और कार्बन जो है ये लंबी चेन्स बनाता है और इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा कार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मोस्ट रैपिडली जो है वो कार्बन के अंदर पाई जाती है। तो कार्बन के बारे में छोटे छोटे हम टर्म्स पढ़ते हैं, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाते, छोटे जो इसके बारे में टर्म है वो हम पढ़ते हैं। तो कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, इट इज़ अ नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है। उसके बाद ये पी ब्लॉक के अंदर क्लासीफाई किया गया है, इट इज क्लासीफाइड इन पी ब्लॉक। ये जो है किस ब्लॉक के अंदर क्लासीफाई किया गया है, पी ब्लॉक के अंदर क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, मतलब ये चार बॉन्ड्स जो है चारों तरफ से बॉन्ड्स बना सकता है। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो होती है वो होती है 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, ये इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की, और इसको टेट्रावेलेंट कहा जाता है, इट इज टेट्रावेलेंट। ये क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। क्यों टेट्रावेलेंट होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है वो चार होती है और ये चारों तरफ से क्या बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट बोलते हैं। और उसके बाद ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, या फिर इसको एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ लाइफ, कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो ये छोटे से टर्म में कार्बन के बारे में जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाते, अगर डीप में जाएं तो इसके तो बहुत सारे इलेक्ट्रोप्स भी होते हैं। ठीक है, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम उसको डिटेल में बात नहीं करते क्योंकि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाए जाते हैं,
तो ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पूरी केमिस्ट्री के अंदर कार्बन का रोल है ही है। हर जगह पर हमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, ठीक है। तो कार्बन के बारे में ये टर्म्स है, ये एक नॉन मेटल होता है, उसके बाद ये पी ब्लॉक के अंदर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंसी इसकी 4 होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सब शेल में देखें तो 1s2 2s2 2p2 होती है, ठीक है। मतलब इसके लास्ट जो ऑर्बिटल होता है पी, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद इसको टेट्रावेलेंट कहा जाता है, मतलब इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। पहले भी मैंने कैंटिनेशन में आपको बताया कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा वैलेंस, मतलब वैलेंट मींस वैलेंसी, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारी लाइफ का एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये छोटे से टर्म थे कार्बन के बारे में, और अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं हेडिंग लगा देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो टर्म आता है, या फिर हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें हमारे पास है सबसे पहले एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर इनको ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। उसके बाद ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसी में शॉर्टकट में लिखता हूँ, और दूसरे होते हैं अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और तीसरे होते हैं हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ टाइप्स के होते हैं, या कुछ टाइप्स में उनको क्लासिफाई किया गया है। उसके अंदर हमने देखा कि एक होते हैं एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर इनको ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला जाता है, या फिर लीनियर चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद दूसरा जो टाइप होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है वो होता है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। में एक होते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तीसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और अब हम एक एक को यहाँ पर डिटेल में समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये लिखें या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालें। तो अब हम आगे चलें, तो यहाँ पर मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि ब्रांच्ड चेन कौन से होते हैं, ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोस ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोस ओपन चेन ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स which contain a branch are called branched organic compounds, या फिर branch chain भी इसको बोला जाता है compounds, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स लिनियर कंपाउंड्स या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स जिनके ऊपर एक ब्रांच लगी हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक मिथाइल ग्रुप ऐड करें तो ये हमारे पास जो है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। कैसे, आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इस चेन के अंदर एक मिथाइल ग्रुप जो है लगा हुआ है, मतलब एक ब्रांच लगी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन, इसको आइसोब्यूटेन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिक ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब एक स्ट्रेट चेन हो या फिर ओपन चेन हो उस पर कोई भी एक ब्रांच लगी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद दूसरा होता है अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऊपर कोई भी ब्रांच ना लगी हुई, बिल्कुल वो स्ट्रेट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट, या फिर दोज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट कंटेन एनी ब्रांच आर कॉल्ड अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर उनको ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। तो अगर इनको हम ओपन चेन कहें तब भी ठीक है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहें तब भी ठीक है, अगर हम इनको अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहें फिर भी ठीक है, ठीक है, अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनके हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3CH2CH2CH3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन। चार कार्बन है हमारे पास और सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। आप देखें इन पर किसी के ऊपर भी कोई भी ब्रांच ना लगी है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन चेन या फिर अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास CH3CH2CH2CH2CH2CH3, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है। आप यहाँ पर देखें कि ये एक स्ट्रेट चेन है, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन है और इसमें से किसी भी कार्बन के ऊपर कोई भी मिथाइल ग्रुप या कोई भी ब्रांच नहीं लगी हुई है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम ओपन चेन बोलेंगे या फिर हम इनको अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स, और सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद CH3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट, और सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। तो ये हमारे पास अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा
अगर नहीं आया तो फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओपन चेन या फिर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से होते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लिक कौन पढ़ते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइक्लिक कंपाउंड्स भी तीन टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक और तीसरे होते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक को पढ़ते हैं कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स those organic compounds which have closed ring of carbon atoms, closed ring of carbon atoms are called homocyclic ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स जो है उनकी एक क्लोज्ड रिंग हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपको कोना नजर आए यहाँ पर एक कार्बन एटम है, यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है और यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये साइक्लिक है, ये क्या है, ये साइक्लिक है तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो। जितने कार्बन एटम्स होंगे उस हिसाब से हम इसको नेम देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये तीन कार्बन एटम है तो इनको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीन कार्बन है, यहाँ पर आप देखें एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तीन कार्बन के लिए हम प्रॉप यूज कर दें और सब के सब जो है वो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एन लगाएंगे हम, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो इसलिए हमने यूज किया। तो ये आगे चलकर हम नोमेनक्लेचर में हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कोने नजर आ रहे हैं हर कोने पर आपको कार्बन एटम दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देगा तो आप समझ जाएं कि हर कोने के ऊपर जो है एक कार्बन एटम मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए आप, एक तो हम यहाँ पर साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लो, उसके बाद कितने कार्बन है, चार कार्बन है तो हम यूज करेंगे साइक्लो ब्यूटेन, क्या यूज करेंगे हम, साइक्लो ब्यूटेन हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास जो है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको हम होमोसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, सेम ही हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आप देखें कि ये और एक लकीर लगी हुई है। तो ये जो दो लकीरें आपको नजर आ रही हैं ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज की, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज करते हैं, ये नोमेनक्लेचर हमें हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन। आप घबराए मत, नाम से आप परेशान मत हो, इसका जो नाम होता है, नेमिंग जो होती है वो नोमेनक्लेचर पर बेस्ड होती है, तो वो आगे चलकर हम सीखेंगे। आप समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और साइक्लो कंपाउंड हम किन को बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये जितने भी मैंने कंपाउंड्स बनाए इन सब के अंदर जो कार्बन की रिंग है वो क्लोज्ड है, कार्बन की रिंग जो है वो क्या है, वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे या फिर हम इनको साइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल है, तो आप ये लिखें या फिर आप स्क्रीनशॉट लें इनका, तो हम आगे चलें, ठीक है। तो दूसरा इनका जो एग्जांपल है, टाइप है, एग्जांपल नहीं टाइप जो है वो है हेट्रोसाइक्लिक,
वो क्या है हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव क्लोज्ड रिंग, व्हिच हैव क्लोज्ड रिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोज्ड रिंग ऑफ कार्बन, क्लोज रिंग ऑफ कार्बन विद अटैच, या फिर अटैच विद वन आर मोर, अटैच विद वन आर मोर देन वन अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की जो क्लोज्ड रिंग हो और वो रिंग जो है किसी और एटम के साथ अटैच्ड हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। ये हेट्रो वर्ड जो आप देख रहे हैं, इसके इसकी माने है डिफरेंट, इसकी माने क्या है, डिफरेंट वन मतलब जो एक रिंग होगी, उस रिंग के अंदर कार्बन के साथ कोई एक और एटम जो है वो अटैच्ड होगा, वो कार्बन नहीं होगा, कोई और एटम अटैच्ड होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप देखें ये तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पर एक सल्फर लगा हुआ है, ये सल्फर की वैलेंसी को भी हम यहाँ पर शो करते हैं, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं थायोफीन, थायोफीन इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास एक रिंग है कार्बन एटम की, ये क्लोज्ड रिंग है और ये रिंग जो है एक अदर एलिमेंट से अटैच है, मतलब यहाँ पर कोई और एटम है, कार्बन के अलावा कोई और एटम जो है वो जुड़ा हुआ है इस रिंग से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, सेम ही हमारे पास स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर कोई और एटम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। सेम ही स्ट्रक्चर है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर एक और एटम जो है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है वो लगाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास है अलग अलग सा एक कंपाउंड, और इसको हम बोलते हैं पाइरोल, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइरोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल। तो ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ टाइप्स थे और क्लासिफिकेशन थी। तो अब तीसरी इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है एरोमेटिक, ठीक है। तो अब हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं इसको सम अप करूंगा, जो आज का हमारा टॉपिक्स है उन सबको मैं आपको सम अप करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, और इनके एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो तीसरा टाइप साइक्लिक कंपाउंड्स का है हमारे पास एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एक एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग जो है वो कंटेन करे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास एटलीस्ट एटलीस्ट जो है वन बेंजीन रिंग हो, एक बेंजीन रिंग हो और उसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो उसको हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, are called aromatic organic compounds, aromatic organic
कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास एटलीस्ट वन जो है एक बेंजीन रिंग हो, कम से कम एक जो है बेंजीन रिंग हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन खुद ही जो है एक और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं हम इसको, बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास एक जो है बेंजीन रिंग है और यहाँ पर उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, इसके साथ जो है एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टोलिन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोलिन। टोलिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास एक बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो कंपाउंड है इसके पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और बेंजीन रिंग है और यहाँ पर इसके साथ एक OH जो है ग्रुप अटैच्ड है, तो ये भी हमारे पास जो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको हम बोलते हैं फिनोल, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल है। यहाँ पर मैं बॉन्ड्स इसके क्रिएट कर देता हूँ, ये हमारे पास जो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और यकीनन आपको सब समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं आपको सम अप कराता हूँ, सब एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए, आपको और भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर जिसमें हमने ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे और अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, ठीक है। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास है ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और नहीं लिखती हम, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल इनके हम लेंगे। दूसरे होते हैं हमारे पास अनब्रांच्ड, क्या होते हैं हमारे पास अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ब्रांच्ड हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है CH3, तो यहाँ पर इसके साथ एक ब्रांच लगी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल किया और यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक कंपाउंड है CH3 और यहाँ पर एक मीथाइल ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन के साथ, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1-isobutene यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, ब्रांच्ड, क्यों ब्रांच्ड है यहाँ पर, क्योंकि ब्रांच लगी हुई है। उसके बाद अनब्रांच्ड फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, क्यों ब्यूटेन बोलते हैं, या फिर इसको एन ब्यूटेन भी बोला जाता है, ठीक है। ब्यूटेन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चार कार्बन है, ब्यूट इस्तेमाल करेंगे और सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो हम एन इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास अनब्रांच्ड है या फिर ओपन चेन है, ये क्या है हमारे पास, ओपन चेन है। उसके बाद अगर दूसरा कंपाउंड हम यहाँ पर ले CH3, CH2, CH3, तो ये हमारे पास है प्रोपेन, ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन, ठीक है, यहाँ पर इसको एन प्रोपेन भी बोला जाता है, एन प्रोपेन। और एग्जांपल लें यहाँ पर हम CH3, CH2, 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 CH3, तो यहाँ पर हमारे पास पांच कार्बन है, तो इसको हमको क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेंटेन, या फिर इनको हम एन पेंटेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अनब्रांच्ड है, ये क्या है हमारे पास, अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी मैंने आपको समझाया। अब साइक्लिक पर हम आते हैं, साइक्लिक जो है वो उनके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, जो मैंने पहले भी आपको सम एग्जांपल्स दिए। तो साइक्लिक में हम यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक है हमारे पास, दूसरे हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक और तीसरे हमारे पास एरोमेटिक,
तीसरे हमारे पास क्या है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हाँ, तो होमोसाइक्लिक में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर पर हर कोने पर एक कार्बन एटम जो है वो अटैच है आपस में, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे हम? साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक और हमारे पास एग्जांपल है, इसमें आप देखें कि तीन जो है हमारे पास कोने हैं, एक कार्बन यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको हम? साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। और भी हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेम स्ट्रक्चर और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटीन। क्या बोलेंगे इसको हम? साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर हर कोने पर एक एक कार्बन जो है आपस में अटैच है, मतलब चार कार्बन है, तो ब्यूट इस्तेमाल करेंगे, डबल बॉन्ड है एक, तो हम इन इस्तेमाल करेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम क्या यूज करेंगे? साइक्लो यूज करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक में हमने पहले भी एग्जांपल्स लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये साइक्लिक कंपाउंड जो है किसी और एलिमेंट से या किसी और एटम के साथ अटैच रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। तो इसका नेम जो है हमारे पास है थायोफीन। क्या है हमारे पास? थायोफीन। उसके बाद दूसरा हमारे पास एग्जांपल है पेरोल का, जहां पर ये जो पेरोल है ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है और जो है दूसरे किसी डिफरेंट मतलब एटम के साथ अटैच दे तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेरोल बोलेंगे इसको, पायरोल, ठीक है। तो ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो किसी और एटम के साथ कार्बन के एटम्स अटैच टू, ठीक है। एरोमेटिक ऐसे होते हैं, एरोमेटिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। फॉर एग्जांपल खुद बेंजीन का हम यहाँ पर एग्जांपल लें, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन। उसके बाद यही बेंजीन रिंग है हमारे पास और यहाँ पर एक इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोलिन बोलते हैं इसको, ठीक है, टोलिन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यही अगर बेंजीन रिंग हो, यहाँ पर आपको नज़र शायद ना आए तो मैं ऊपर बना लेता हूँ, यही हमारे पास बेंजीन रिंग हो तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैं फिर से बना लेता हूँ, यही बेंजीन रिंग हो हमारे पास और ये बेंजीन रिंग जो है इसके ऊपर अगर OH ग्रुप लगा हुआ हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। तो इसके पास कम से कम जो है एक बेंजीन रिंग है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ मिथाइल ग्रुप्स की बात करेंगे।